गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज उत्तम त्याग का दिन है। अर्जन के साथ साथ विसर्जन जरूर होना चाहिए। पूजन में आह्वान करते हो तो आखिरी में विसर्जन भी होता है। संग्रह के साथ साथ विसर्जन की कला, जो जोड़ते ही जोड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, वो डूब जाते हैं। पकड़ने की जो वासना है वो एक परिग्रह है। जोड़ो, खूब जोड़ो, लेकिन जोड़ते समय एक चीज याद रखना कि जीने के साथ साथ हमें जाना भी है। स्थाई नहीं है ये, जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। कितने आए कितने गए, कितनों के नंबर लगे हैं, कितने चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संसार में जो कुछ भी करो, एक चीज का ध्यान रखना कि मिटना जरूर है, खत्म जरूर होना है। एक सोने की अंगूठी पहनो तो मन में ये भाव रखना कि एक दिन ये अंगूठी गिरेगी, या मैं गिरूंगा या अंगूठी गिरेगी, दो में से एक तो जाएगा, ध्यान रखना। या पदार्थ विदा लेगा या फिर मैं दुनिया से विदा लूं। इसलिए त्याग में जियो। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का ठेला, दो दिन का जग में मेला सब चला चली का ठेला। कोई आए कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए, कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का ठेला रे ठेला रे ठेला रे। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का। दो दिन कहीं तो बचा है परिवर्षण, उसके बाद चला चली का ठेला, विचार करना है। तुम छोड़ो या मौत छुड़ाए, मौत छुड़ाएगी तो शमशान की यात्रा होगी, और तुम छोड़ोगे तो मोक्ष की यात्रा होगी। ध्यान रखना, छूटना तो निश्चित है, कितना भी पकड़ के रख लो छूटेगा, जाएगा। किस गफलत में सो रहा है, पापों की गठरी सिर पे क्यों बांध रहा है, एक दिन ये गठरी उतारी जाएगी। त्याग। 24 घंटे अर्जन अर्जन अर्जन, एक घंटे विसर्जन, एक घंटे तो विसर्जन करो ना। राम राम बनते हैं अर्जन की वजह से नहीं, विसर्जन की वजह से। महावीर महावीर बने विसर्जन की वजह से। ध्यान रखना, ऋषभदेव ऋषभदेव कहलाते हैं तो त्याग की वजह से ऋषभदेव सारी दुनिया में पूजे जाते हैं। एक गाय है, उसका दूध ना निकालो तो बेचैन हो जाती है, तड़फन हो जाएगी उसको। वह दूध का संग्रह भी करती है और दूध का त्याग भी किया करती है। वृक्ष से पत्ते नहीं झड़ेंगे, वृक्ष अपने फल नहीं छोड़ेगा, वृक्ष खत्म हो जाएगा। वह एक पत्ता छोड़ता है दूसरा पत्ता आता है। वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते एक बात,
वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते एक बात, और इस घर की यही रीत है, एक आवत एक जात, ध्यान रखना, एक आता है और एक जाता है, संसार की यही रीत है, ध्यान रखना। फूल नहीं तोड़े जाएंगे तो नए कहां से आएंगे, विचार करिए। फल नहीं तोड़े जाएंगे तो नए फल कहां से आएंगे, ध्यान रखना। जिन कुओं से पानी नहीं निकाला जाता है ना, वो कुएं सड़ जाया करते हैं, उनके पानी में दुर्गंध आती है, उसमें कीड़े पड़ जाया करते हैं, वह पानी पानी नहीं रह जाया करता है। जो कुआं रोज रोज पानी देता है वो कुआं निर्मल बना रहता है, पवित्र बना रहा करता है। आज कुएं नहीं है देश में, बड़ी आफत है कुएं वाले महाराजों की। पहले पूछना पड़ता है समाज तो छोड़ो, कुआं है या नहीं है, ध्यान रखना। पानी नहीं निकलता है, पानी सड़ जाता है। कोई मकान है उसमें निकासी ना बनाई जाए, मोरी ना बनाई जाए, पानी निकलने का स्थान ना बनाया जाए, पानी भरते 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 भरते, ध्यान रखना, वो दीवारों से रिसने लगता है, और जब दीवारों से रिसता है तो मकान कमजोर हो जाया करता है। जाएगा तो जरूर। एक बात मालूम है, जो वृक्ष अपने फलों को लुटाते हैं ना, उनमें हर साल फल आते हैं। जो पौधे फूलों को लुटाते हैं, उनमें हर दिन नए फूल आ जाया करते हैं, विचार करना। और जो लोग, ऐसी भी वनस्पति है, एक वनस्पति वो है जो रोज लुटाती है, और एक वनस्पति वो है जो रोज छुपा के रखती है, ध्यान रखना। जो छिपा के रखती है वो जमीकंद होते हैं, वो रोज नहीं लुटाते हैं, वो अपने फलों को छिपा के रखते हैं। और एक बड़े मजे की बात है, जो वृक्ष आकाश से बातें करते हैं वो ऊंचाइयां इसलिए पाते हैं कि फलों को लुटाते हैं, फूलों को लुटाते हैं, और जमीकंद जमीन के अंदर इसलिए रहता है, वो लुटाता नहीं, वो लूटना चाहता है, वह बटोर के रखना चाहता है। तो जो फल रोज लुटाता है वह वृक्ष जिंदा रहता है, और जो जमीकंद अपने फलों को छिपाता है वह जड़ से उखाड़ा जाता है, जड़ से उखाड़ लिया जाता है उसको, जमीकंद जड़ से उखड़ता है, क्योंकि वह अपने फलों को देना नहीं चाहता है, वह दबा के रखना चाहता है। ऐसे शास्त्रों में लिखा है, कंजूसों से आहार नहीं लेना। तो कंजूस केवल आदमी ही नहीं होता है, वनस्पति भी कंजूस होती है। ऐसी कंजूस वनस्पति का जैनी त्याग कर दिया करते हैं, ऐसी वनस्पति आलू प्याज लहसुन कौन खाता है, ध्यान रखना, कंजूस प्रवृत्ति, जो ऐसी चीजें खाएगा तामसिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, वह जोड़ेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। महावीर भगवान से हमने पूछा कि भगवान आहार किससे लेना चाहिए, किससे आहार ग्रहण करें, उन्होंने कहा कि दाता का चयन कर लेना, हर दाता से आहार नहीं लेना। इनका दाता कैसे होते हैं, दाता चार होते हैं, ध्यान रखना, दान चार प्रकार, चार संग को, आज त्याग का धर्म है और दान की महिमा पूजा में गाई गई, क्योंकि त्याग मुनि करते हैं, दान श्रावक करता है, ध्यान रखना। आपका धर्म दान का धर्म है। चार प्रकार के पात्र होते हैं, एक होता है कंजूस और एक होता है मक्खी चूस, ध्यान रखना, और एक होता है उदार और एक होता है दाता। चार चीजें हैं। कंजूस जानते हैं कौन होता है, कौन है कंजूस, बोलो, कंजूस आदमी कौन होता है, जो सिर में तेल भी नहीं लगाता। मेरे भाई, मैंने देखा है एक सेठ को इतना कंजूस कि एक बच्चा मेरे दर्शन को आया, सेठ गया, और बेटा तेरे क्या हाल चाल है, कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही। बच्चा सोच रहा है कि बाबा जी दादा जी हाथ फेर रहे, वो हाथ नहीं फेर रहे, उसका तेल लेके अपने पे लगा रहे। ऐसे भी कंजूस लोग हैं धरती पे, जो अपना तेल भी नहीं लगा सकते अपने शरीर में। ऐसे भी कंजूस लोग हैं धरती पर। भगवान महावीर ने कहा कंजूसों से आहार नहीं लेना, ध्यान रखना, कंजूस बहुत खतरनाक आदमी है, वह सब कुछ दे देगा। वो कंजूस कौन होता है जानते हो, ना खुद खाता है ना दूसरों को। बुंदेलखंड में कहते सड़मक जाए कुटुंब नहीं खाए, ध्यान रखना, जोड़ जोड़ के रखो, सड़ना है तो सड़ जाए पर किसी को खाने नहीं देंगे, वो कंजूस लोग हुआ करते हैं। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर, अस्पताल में डला है, बड़ा बेटा कहाँ है, यहीं खड़ा हूँ, छोटा बेटा कहाँ है, यहीं खड़ा हूँ, बेटी कहाँ है, पापा जी यहीं खड़ी हूँ, पत्नी कहाँ है, यहीं खड़ी हूँ। बोले कंबक तो जब सब यहीं खड़े हो तो दुकान पे कौन है,
मर रहा है, दुकान की पड़ी है, ये कंजूस लोग। ध्यान रखना, दो तरह के अमीर होते हैं। एक वो होते हैं अमीर जो जोड़ जोड़ के अमीर बनते हैं, और एक वो होते हैं जो कमा कमा के अमीर बना करते हैं। ध्यान रखना, जो जोड़ जोड़ के बनते हैं छोड़ नहीं सकते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी, ऐसे लोगों की संपदा नाश को प्राप्त हो जाती। धन के तीन ही रूप हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान करो, भोग करो, नहीं तो तीसरी दशा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगी अपने आप। सर्वनाश तो लक्ष्मी का होना ही होना है, अंत में सर्वनाश है। कुछ लोग इतने कंजूस हैं, ना दान कर पाते हैं ना भोग कर पाते हैं, जोड़ जोड़ के मर जाते हैं। सांप की तरह कुंडली मार के बैठेंगे, ध्यान रखना, मरने के बाद फिर ऐसे ही नागिन डांस होगा जो अभी हुआ था। ध्यान रखना, ऐसे ही डसेगी, ध्यान रखना। जोड़ जोड़ के मत मारो, सब कुछ छूट जाना। ये कंजूस लोग होते, एक होता है मक्खी जूस। मक्खी जूस जानते हो, चाय में मक्खी गिर जाए, समझ में आ गया क्या? मक्खी मेरी थोड़ी भी चाय बची है तो चूस लेगा, ध्यान रखना। एक आदमी था औरंगाबाद का, अब तो बताओ, तो आधा चौमासा हो गया, क्या कर लोगे तुम मेरा? और अब तो मैं तुम्हारे दिल में रहने लगा, अब डरने की कोई बात ही नहीं है, ध्यान रखना। अब काहे को डरे, ध्यान रखना। कल आए महामंत्री जी, बोले कि शुरू शुरू में तो हमें डर लगता था, आप बड़ी तिरछी निगाह से देखते थे। मैंने कहा अब क्या हो गया? बोले अब दिल दे चुके सनम, ध्यान रखना। विचार करिए, मानने वाला सोचना है आपको। एक सुबह सुबह मोटरसाइकिल से यही आ रहा था, ध्यान में, सुबह सुबह मोटरसाइकिल से आ रहा था, रुका। सुबह सुबह आते हो 4:30-5 बजे तो अंधेरा रहता है, भागा आ रहा, मक्खी चूस आदमी, ध्यान रखना, भागा आ रहा बैठ करके। और जैसे ही भाग करके आया, रास्ते में अचानक उसने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, यूं हाथ धरती पे लगाया, बैठा, फिर आ गया। पत्नी का क्या, अरे क्या कर रहा था तू, क्या उठा रहा था? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं उठा। अरे बोले चल, गाड़ी रोके तूने कुछ उठाया है ना? बोले कुछ नहीं उठाया। बोले नहीं कुछ तो उठाया है। बोले यार मौसम ऐसा ठंडी का है, सुबह सुबह लोग ऐसा थूकते हैं, लगता कि चवन्नी डली हो, ध्यान रखना। उसने हाथ उठाया और पहुंच पहुंच के फिर गाड़ी में बैठ गया। फिर वो चवन्नी समझ के उठा रहा था कि एक का सिक्का पड़ा है क्या, वो तो किसी ने कफ निकाला था। ऐसे मक्खी चूस होते हैं धरती पर, ध्यान रखना, पूरी जिंदगी बर्बाद है। जोड़ जोड़ के मर गए, कुछ नहीं किया। बोले ऐसों से आहार मत लेना, ध्यान रखना। चौका लगाया, मीठा बन गया, नमकीन बन गया, डिब्बे में बंद कर दो, पूरा मत खाना। बोले क्यों? बोले 3 दिन की मर्यादा है, कल दूसरे महाराज को निपटाएंगे। ऐसे मक्खी चूसों के हाल है, ध्यान रखना। बोले ये तला हुआ है ना, फ्राई है, इसमें पानी नहीं है, कल काम आएगा। कंजूस मक्खी चूस, इनसे आहार लेना मना है साधु को। और पता चल जाए किसी कंजूस के घर आहार हुआ तो प्रायश्चित ले लेना, शास्त्रों में लिखा है। कंजूसों का खा के करोगे क्या? अपनी वृत्ति भी वैसी हो जाएगी। अपन ने कंजूसों का आहार खाया है तो आशीर्वाद में भी कंजूसी होगी। फिर ध्यान रखना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। ध्यान रखना, कंजूसों का मक्खी चूसों का नहीं खाना। एक होता है उदार, जो खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है, खुद खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा। भगवान के तो ये भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, ध्यान रखना, ये भी बेकार है। बोले इससे भी आहार मत लेना, खुद खाएगा दूसरों को खिलाएगा। आहार चल रहे हैं, वो सोच रहा है ये बैठे तो हम खाएं, खड़ा ही है, हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी। अब स्वामी भी लिए जा रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहा कि ये बैठे तो हम खाएं। ये उदार आदमी, हम भी खाएं और तुम भी खाओ। और एक जैन दर्शन में होता है दाता, जो खुद भूखा रहता है
पहले गुरुओं को आहार कराता है, वह दाता हुआ करता है। जो खुद भी ऐसे ही हो जाता है, खुद को ना मिले तो ना मिले, दूसरों को खिलाना, दूसरों को खिलाने में जिसको आनंद आया करता है, दूसरों को आहार देने में जिसे आनंद आया करता है, जो दूसरों का सोचता है, अपना नहीं सोचता, मेरी कोई बात नहीं, आप लीजिए, स्वागत है आपका, ध्यान रखिए, वो दाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा दाता से आहार लेना, तीन से तो लेने ही नहीं, बिल्कुल चौके से बाहर करो इनको, ध्यान रखना, इनके जैसा खाके बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। दाता मालूम है हमारा श्रावक कैसा होता है, जब तक गुरु को आहार ना हो जाए, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार, पहले मुनि को खिलाता है फिर खाता है। केवल तुम ही नहीं, हम भी ऐसे ही हैं, पहले तुम्हें परोसते हैं उसके बाद तुम्हारे चौके में जाते हैं, ध्यान रखना। हम 24 घंटे से भूखे रहते हैं और साधु तो खाने के बाद प्रवचन करते हैं, लेकिन दिगंबर साधु ऐसा होता है, पहले लोगों को ज्ञान के प्रवृत्ता से खिलाता है फिर स्वयं भोजन लेने के लिए जाता। ये हमारी परंपरा है, जैनों की परंपरा है, खिलाकर खाना, ध्यान रखिए। मान्यवर, आज दान का दिन है, त्याग का दिन है, विचार करें, दान करो या भोग करो, भोग करोगे नरकगामी, दान करोगे देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। जो देता है वो दाता है, जो रक्षा करता है वो राक्षस, ध्यान रखना, रक्षा करे सो राक्षस, दे सो देवता। अब आपको सोचना है, आपको राक्षस बनना है या देवता बनना है, दिए बिना चैन ना पड़े है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना दिए चैन नहीं पड़ता है, और जब ना दे पाओ तो लगता है कि आज मेरा व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, दिक्कत हो रही। मेरे संघ के संघपति हैं प्रदीप मामा, भोपाल में हैं। जब भी उसे बिजनेस में कुछ गड़बड़ होता है तो मालूम वो ये नहीं कहता मुझसे कि महाराज कुछ करो, कुछ मेरे को आशीर्वाद दो, बिजनेस गड़बड़ हो रहा है। वो कहता है महाराज इस बार दान नहीं दिया ना, इसलिए मेरे घर में आज बिजनेस में दिक्कत आ रही है। सबसे पहले वह दान भेजता है, और उसकी किस्मत तो देखो कि यहां दान बोलता है वहां उसके द्वार खुल जाया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।